भरे में करेला, करेलों को धोकर पहले छीलना, छील कर फिर छिलका पूरा हटाना उनका। सारे करेले को छिलका हटाना है। अब उसके बाद बीच में चीरा लगाकर अंदर का सारे बीज निकालने हैं बाहर। सारे बीज बाहर निकालने हैं। सारे करेले को इस तरह से ही कर लेना है। अब इनको ग्राइंडर से चॉप करना है प्याज को। इस तरह से प्याज और कच्चा आम चॉप करना है। अब करेला धोकर, तेल गरम हो रहा है इतने करेला धुल रहे हैं। अब करेला धोकर इसको तलना है। करेले को ब्राउन होने तक करेला तलने हैं। करेला फ्राई हो रही है। इनको हम ब्राउन होने तक तलेंगे। मेरे गले में थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। ये प्याज तैयार है करेले के लिए। आधा किलो करेले हैं, ढाई सौ ग्राम प्याज है, एक आम डाला है कच्चा, इस तरह से सारे करेले। इसमें मेथी दाना डालना है ना, उसके बाद करेले के छिलके हैं वो तलने हैं। ये छिलके डाल दिए, इनको तलना है ब्राउन होने तक। इनको भी ब्राउन होने तक तलना है। अब इसमें इससे इसका कबाब निकल जाएगी, करेले की कबाब निकल जाएगा तलने से, करेला और करेले के छिलके। अब इसमें प्याज डालनी है, जो हमने चॉप करके रख रखी थी वो प्याज डालनी है। और साथ में ये कच्चा आम पड़ गया, कच्चा आम भी चॉप करना है, वो भी डालना है कच्चा आम। अब स्वाद अनुसार मसाले पड़ेंगे। नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर पड़ गया है और मिर्च डाल दी अपने स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी पाउडर
और 2 चम्मच सौंफ डालना है। दो चम्मच सौंफ डालकर इसको चलाकर ढककर रखना है 10 मिनट के लिए, तब तक प्याज का मसाला नहीं बन जाता जाता। ये प्याज का मसाला तैयार हो रहा है। इसको धीमी गैस पर रखता हूँ। तैयार हो गया। अब हम करेलों में इसको फिर भी कितने टाइम चम्मच से इसके करेले के अंदर ये मसाला भरा जाएगा। इस तरह से सारे करेले भर दिए जाएंगे। इस तरह से सारे करेले भरकर इनको 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। धीमी गैस पर ढककर पकाएंगे। धीमी गैस पे पकाना है इनको। ये हमारे करेले बनकर तैयार हैं। फिर किसी बर्तन में पलटिए और बताइए कैसे लगे हैं। एक बार ज़रूर बना कर देखना। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।